हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडियो मास्क। आई होप यू ऑल विल बी डूइंग ग्रेट। तो गाइस, एज यू ऑल नो, फसाई का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। ये जो नोटिफिकेशन है इसमें 233 सीट्स के लिए हमारा रिक्रूटमेंट होने वाला है अलग अलग पोस्ट के लिए। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जो हमारा सिलेक्शन है वो 2 स्टेजेस में होगा। पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू और स्किल टेस्ट होगा। रिटन एग्जाम का अगर हम सिलेबस की बात करें तो हमारा जो सिलेबस है वो वही रहने वाला है जिस जो कि एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर लिटरेसी, इंग्लिश के बारे में नॉलेज। उसके अलावा एक और चीज़ एड ऑन की गई है, वो क्या है कि फसाई की भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसकी वेटेज जो है वो अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग की गई है। तो हमारा जो कोर्स है वो उसी से रिलेटेड है। हम आपको अपने कोर्स के अंदर फसाई का जो जितना भी सिलेबस है, फसाई की जितनी भी नॉलेज है, अकॉर्डिंग टू द पोस्ट, अलग अलग पोस्ट के हिसाब से आपको हम सारे का सारा उसके बारे में पढ़ाएंगे। इस कोर्स के अंदर हम आपको वीडियो लेक्चर्स, उसके बाद उस लेक्चर की PDF और MCQs प्रोवाइड करेंगे। लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको इसका प्रोसेस बताना चाहती हूँ कि अगर आपको हमारे इस कोर्स को एक्सेस करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज edumask1008। अगर आपको कोई क्वेरी है रिलेटेड टू द कोर्स तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं थ्रू आर मेल ID, दैट इज edumask1008। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि क्या रोल है फसाई का, उसकी फंक्शनिंग क्या है, वो कब शुरू हुआ, किस एक्ट के थ्रू शुरू हुआ, उसका क्या पर्पस था शुरू होने का। इस सब को हम फसाई के फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो फसाई क्या है? फसाई इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो फसाई जो है हमारा वो फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके रखने वाली जो अथॉरिटी है इंडिया की हमारी, उसको क्या है, फसाई कहते हैं। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, ये किस एक्ट के थ्रू आई थी हमारी? ये आई थी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, जो कि 2006 वाला का एक्ट है। मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के थ्रू हमारा जो है फसाई वॉज एस्टेब्लिश्ड, विच कॉन्सोलिडेट वेरियस एक्ट्स एंड ऑर्डर्स। मतलब इसके अंदर क्या क्या कॉन्सोलिडेट होता है, एक्ट्स और ऑर्डर्स कॉन्सोलिडेट होते हैं, वो मतलब पाए जाते हैं, जिसके मतलब थ्रू हमारे जो फूड रिलेटेड इश्यूज हैं उनको हम देखते हैं, जो कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स में फॉलो अप होते हैं। क्लियर? तो फसाई जो है वो क्या चेक करता है कि कैसा हमारा जो फूड है वो कैसे सेफ्टी है, उससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं कि भाई उसका स्टोरेज, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी क्वालिटी, इन सारी चीज़ों को कुछ चीज़ों को चेक करने के लिए हमारा जो एक बोर्ड बनाया गया है, एक बॉडी बनाई गई है, वो क्या है, फसाई है। और वो किसके थ्रू बना है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। ठीक है, फसाई जो है वो उसको क्रिएट किया गया है थ्रू साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स। मतलब साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड के बेसिस पे हमारा जो है फसाई क्रिएट किया गया है, जिसमें कि हमारा जो फूड आर्टिकल्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उनका स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, उसका जो सेफ्टी है, सैनिटरी थिंग्स हैं, ह्यूमन कंजम्पशन किस हिसाब से होगा, कितना जो प्रोडक्ट की जो क्वान्टिटी है वो किस किस हिसाब से होगी, तो वो सारी चीज़ों को इंश्योर करने के लिए, उन सारी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए हमारी ये बॉडी बनाई गई है। ठीक है, इसके अंदर जो हमारे जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं वो साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स सेट किए गए हैं, इसको बनाया गया है। जो उसके बाद हमारा आता है फसाई जो एस्टेब्लिश हुआ था वो किसने एस्टेब्लिश किया था? हमारे जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे डॉक्टर अनभूमानी रामाडोस, उन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया था। कब? 5 अगस्त 2011 में। ठीक है, ये एस्टेब्लिश कब हुआ था? 5 अगस्त 2011 में हुआ था। और किस एक्ट के थ्रू हुआ था? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के थ्रू। ठीक है, इसकी जो मिनिस्ट्री है वो कौन सी है? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिपार्टमेंट है, जो कि फसाई के इम्प्लीमेंटेशन को देखता है, जो इम्प्लीकेशन होगा वो किस तरीके से होगा फसाई का, उसको जो मिनिस्ट्री देखती है वो कौन सी है? हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। फसाई का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? दिल्ली में है। ठीक है, अब आता है हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। जिस एक्ट के थ्रू हमारा फसाई एस्टेब्लिश हुआ है उसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था। कब? 23 अगस्त 2006 को। क्यों किया था, एस्टेब्लिश क्यों इंट्रोड्यूस किया था? कि वो चेक करना चाहते थे कि जो कंजम्पशन हो रहा है, जो भी हम ह्यूमन कंजम्पशन कर रहे हैं फूड का, उसकी मतलब क्वालिटी ठीक है। और सेफ्टी पर्पज़ से हमारा क्या है, इस एक्ट को शुरू किया गया था।
इसके इम्प्लीमेंटेशन से पहले भी बहुत सारे फूड एक्ट्स थे कंट्री के अंदर, वो कौन कौन से थे, जैसे प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954, कि भाई मिलावट जो होती है उसको रोकने के लिए हमारा एक एक्ट था 1954 में, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर 1955, वेजिटेबल एंड ऑयल कंट्रोल ऑर्डर 1947, एडिबल ऑयल पैकेजिंग रेगुलेशन ऑर्डर 1988, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स 1992, तो बहुत सारे अदर अलग अलग एक्ट्स थे जो कि इससे पहले हमारे इंट्रोड्यूस हो चुके थे, किससे पहले, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट से पहले, ठीक है। तो हमारा जो ये एक्ट था ये इंट्रोड्यूस हुआ था 23 अगस्त 2006 को, किस चीज़ को, फूड को, मतलब एक तरीके से फूड की सेफ्टी को रेगुलेट करने के लिए, कि उसका जो कंजम्पशन है उसकी जो सेफ्टी है उसके सेफ्टी मेजर्स को अच्छे से रेगुलेट करने के लिए ये हमारा जो एक्ट है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। उससे पहले भी और बहुत सारे एक्ट थे उसके बारे में हमने आपको बता दिया। अब आता है हमारा कि जो FSS है हमारा, उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं फूड सेफ्टी को चेक करने के लिए वो क्या क्या हैं। सबसे पहला तो रिस्क मैनेजमेंट परफॉर्म करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो रिस्क है हम उसको एक्सेस कर सकें और उसके जो रिजल्ट होंगे या उसके और जो फैक्टर्स निकल के आएंगे वो हमारी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनको हेल्प करेंगे, है ना। उसके बाद सेकंड क्या है हमारा, सेकंड पॉइंट है हमारा फूड सेफ्टी के लिए कि हमें अपना बेस्ट ट्राई करना चाहिए, बेस्ट देना चाहिए, किस लिए, कि हम एक अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके ह्यूमन लाइफ को, उसकी हेल्थ को, जिससे कि जो कस्टमर इंटरेस्ट है वो भी बना रहे, ठीक है, वो भी सेटिस्फैक्ट्री रहे, और जितनी भी हम जो मतलब जैसे भी हम फूड ट्रेड कर रहे हैं या फिर हम फूड प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, कोई कंपनी जो ये फूड प्रोडक्ट्स बना रही है वो हर तरीके से जो कस्टमर का जो इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रख के सारी चीज़ों को एकदम नीट एंड क्लीन या फेयरली उन चीज़ों को करें, क्लियर। मतलब कि फूड जो ट्रेड है वो कस्टमर के इंटरेस्ट को देख के, उसकी प्रोटेक्शन को देख के, या उसकी हेल्थ है या उसकी लाइफ है उसको देख के ही किया जाए, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कि अगर हमें कुछ जैसे कोई भी जो फूड डिपार्टमेंट है या फिर कोई भी कोई कंपनी है या कोई मिनिस्ट्री है, कोई भी है, अगर उसमें हमें कोई प्रॉब्लम मिलती है कि ये हमारी ह्यूमन हेल्थ को रिस्क कर सकता है या उसमें कोई सीरियसनेस है कि जिससे कि हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम पाई जाती है, ऐसा कोई केस पाया जाता है, तो जो फूड अथॉरिटी हमारी जो कमिश्नर हैं फूड सेफ्टी के, वो इसके लिए एप्रोप्रिएट एक्शंस ले सकते हैं, स्टेप्स उठा सकते हैं इस रिस्क को हटाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा कि अगर कोई भी मतलब जो फूड है वो फूड सेफ्टी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको कंप्लीट करने में या उसको ये बारे में बताने में फेल होता है या उसके स्टैंडर्ड्स को मैच करने में फेल होता है, तो उसको तब तक के लिए उसका जो प्रोडक्शन है उसको रोक दिया जाएगा, और जब तक वो चीज़ ठीक प्रूव नहीं हो जाती तब तक उसका जो प्रोडक्शन है वो एज इट इज़ रहेगा, उसको होल्ड पे ही रखा जाएगा, उसको शुरू नहीं किया जाएगा उसका प्रोडक्शन। अब हमने ये तो देख लिया कि फूड सेफ्टी के लिए ये प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन अब जो फूड का एनालिसिस है कि भाई ये फूड ठीक है, इसका रिस्क फैक्टर है, ये हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, तो उसको हम जज कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास प्रोविज़न है, एक प्रोसीजर है उस फूड को एनालाइज करने के लिए कि किस हिसाब से, किस स्टैंडर्ड को मान के हम फूड को क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो सबसे पहला क्या आता है, रिकॉग्निशन एंड एक्रेडिटेशन ऑफ लेबोरेटरीज रिसर्च इंस्टीट्यूशन एज वेल एज रेफरल फूड लेबोरेटरीज। मतलब क्या है कि हमें जो मतलब एक तरह से मान्यता होनी चाहिए, एक तरह से उसको एक सर्टिफिकेशन होना चाहिए उस लेबोरेटरी को, वो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, ठीक है, जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर रेफरल फूड लेबोरेटरीज जो हैं हमारी, वो सारी क्या होनी चाहिए, हमारी रिकॉग्नाइज और एक्रेडिटेशन, मतलब उनके पास प्रॉपर एक सर्टिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, रिकॉग्निशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसीज ऑफ फूड सेफ्टी ऑडिट। जो फूड सेफ्टी ऑडिट करती हैं वो जो एजेंसीज और या ऑर्गेनाइजेशन, उनको भी रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए, वो भी रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, उनके पास भी सर्टिफिकेशन होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट कि फूड एनालिस्ट। फूड एनालिस्ट क्या होते हैं हमारे, फूड एनालिस्ट कौन है, जो हमारे जो फिजिकल या केमिकल जो प्रॉपर्टीज है फूड की उनको जो चेक करते हैं, उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनकी जो क्वालिटी और क्वांटिटी जो है उसको टेस्ट करने के लिए जो मतलब हमारा एक जो पर्सन इस चीज़ को मतलब इस पैमाने को चेक करेगा वो हमारा कौन होता है, फूड एनालिस्ट होता है, ठीक है। कि भाई किसी फूड का या किसी बेवरेजेस का या किसी प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी जो है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को जो चेक करता है वो कौन होता है, हमारा फूड एनालिस्ट होता है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले तो जो लेबोरेटरीज हैं या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, उसका जो मतलब प्रॉपर सर्टिफिकेशन वाली होनी चाहिए। उसके बाद जो सेफ्टी ऑडिट्स होते हैं, फूड सेफ्टी ऑडिट्स जो होते हैं वो रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन एजेंसीज के थ्रू ही होना चाहिए। उसके बाद जो फूड एनालिस्ट है वो मतलब हमारे पास एक प्रॉपर ऐसा होना चाहिए जो प्रॉपर एनालाइज कर पाए फूड को, उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी को चेक करें। उसके बाद सैम्पलिंग और एनालिसिस हो,
ठीक है, तो एनालिसिस ऑफ फूड के लिए ये प्रोसीजर्स क्या है फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कि ऑफेंसेस और पेनल्टीज क्या क्या होती है अंडर एफएसएस एक्ट। इस एक्ट के अंदर जो ऑफेंसेस और पेनल्टीज, अगर कोई दोषी पाया जाता है तो फिर क्या क्या चीज़ें मतलब एक तरह से फॉरवर्ड की जाती हैं, फॉलोअप की जाती हैं। तो प्रोविजन जो फॉलोअप किए जाते हैं, सबसे पहला क्या है हमारा जनरल प्रोविजन रिलेटेड टू ऑफेंस, पहला आता है जनरल प्रोविजन रिलेटेड टू ऑफेंस। उसके बाद नेक्स्ट आता है जनरल प्रोविजन रिलेटेड टू पेनल्टीज। उसके बाद थर्ड आता है द पेनल्टी फॉर सेलिंग फूड नॉट ऑफ नेचर और सब्सटेंस और क्वालिटी डिमांडेड। ठीक है, मतलब हर कोई प्रोविजन जो है वो अलग अलग क्लासिफाई कर दिया गया है। तो अगर कोई ऑफेंस है, कोई पेनल्टी लगानी है, किसी ने इतना मतलब ऐसे स्ट्रॉन्ग वो कर दिया है एक तरह से फूड के साथ, मतलब इतनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ चुकी है कि वो ऑफेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा। कोई माइनर प्रॉब्लम आई है तो उसके लिए पेनल्टी ही हम दे सकते हैं कि भाई पेनल्टी भरनी पड़ेगी उसको। उसके बाद थर्ड हमारा क्या आता है कि अब किसी ने ऐसा फूड सेल किया है जिसकी जो मतलब जो नेचर है या फिर क्वालिटी है वो वैसी नहीं है जैसे कि डिमांडेड थी, तो हर किसी के लिए अलग अलग प्रोविज़न बना दिया गया है और उस प्रोविज़न को फॉलो अप नहीं किए जाने पर उसके अकॉर्डिंगली ही ऑफेंसेस और पेनल्टीज़ उसको दी जाएंगी। ठीक है, ये सारे भाई मेंशनड हैं, पेनल्टी फॉर सब स्टैंडर्ड फूड, पेनल्टी फॉर मिस ब्रांडेड फूड, पेनल्टी फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, पेनल्टी फॉर फूड कंटेनिंग एक्सट्रोजेनियस मैटर, पेनल्टी फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर, पेनल्टी फॉर अनहाइजीनिक और अनसैनिटरी प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड, पेनल्टी फॉर पोजेसिंग एडल्ट्रेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको आप पढ़ लेना। ये सारी चीज़ें क्या है, ये अकॉर्डिंग ही पेनल्टी दी जाएगी, जिस अकॉर्डिंग जो भी ऑफेंस किया जाएगा, जिस अकॉर्डिंग जो भी गलती की जाएगी उसके अकॉर्डिंगली पनिशमेंट फॉर्म की जाएगी। तो ये सारे अलग अलग उन्होंने ऑफेंस और पेनल्टीज के लिए एफएसएस एक्ट के थ्रू ये पनिशमेंट्स मतलब एक तरह से बनाई गई हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि फंक्शंस क्या क्या है हमारे फसाई के। तो सबसे पहला फंक्शन क्या आता है कि हमें एक तरह से स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस जो है वो एस्टेब्लिश करनी होती हैं, एक रेगुलेशन फ्रेम आउट करना होता है किसके लिए, कि जो फूड आर्टिकल्स हैं उनके लिए एक प्रॉपर एक स्पेसिफाइड जो अप्रोप्रिएट सिस्टम है वो बनाया जाए, जिसमें कि स्टैंडर्ड्स जो हैं, स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स जो है वो एनफोर्स किया जाए, वो एस्टेब्लिश किए जाएँ उसके ऊपर और उन्हीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो अप किया जाए। ठीक है, तो स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस के लिए एक रेगुलेशन फ्रेम अप किया जाए जिसमें कि जो हमारा फूड है, जो हमारे आर्टिकल्स हैं, उसके लिए प्रॉपर एक स्टैंडर्ड्स बनाए जाए, उन स्टैंडर्ड्स को ही फॉलो अप किया जाए उस सिस्टम के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कि हमारे जो एक प्रॉपर मैकेनिज्म और गाइडलाइंस एस्टेब्लिश की जाए किसके लिए, फॉर एक्रेडिशन ऑफ सर्टिफिकेशन बॉडीज, जो सर्टिफाइड बॉडीज हैं हमारे उसके लिए, उसके एक्नॉलेजमेंट के लिए, जिससे कि जो हमारा फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है उन सर्टिफाइड बॉडीज का वो प्रॉपरली और अच्छे से फॉलो अप हो अकॉर्डिंग टू फसाई स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो एक प्रॉपर हमें मैकेनिज्म और गाइडलाइंस हमारे क्या है एस्टेब्लिश होने चाहिए, कहाँ पे, जितनी भी सर्टिफिकेशन बॉडीज है हमारी उसके अंदर, जिससे कि फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो है, जो फूड बिजनेसेस जो चल रहे हैं वो उन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो अप करें जो कि फसाई ने बनाए। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर प्रोसीजर और गाइडलाइंस होनी चाहिए किसके लिए, जो हमारी लेबोरेटरीज हैं, जिसमें कि हमारा मतलब प्रॉपर चेक किया जाता है फूड को, जो स्टैंडर्ड्स मतलब सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग जो फूड टेस्ट किया जाता है उसको हमें प्रॉपर उसके लिए प्रोसीजर और गाइडलाइंस जो हैं वो एस्टेब्लिश करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प प्रोवाइड की जाए, उन्हें टेक्निकल या फिर साइंटिफिक जो सपोर्ट है या फिर उन्हें एडवाइस चाहिए किसी भी मतलब एक पॉलिसी को बनाने के लिए, तो पॉलिसी या रूल बनाने के लिए किसी भी एरिया में जहाँ पे कि फूड सेफ्टी और न्यूट्रिशन की के लिए प्रॉपर स्टैंडर्ड को सेट करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए अगर गवर्नमेंट को हेल्प चाहिए तो उसके लिए प्रॉपर साइंटिफिकली या टेक्निकली जैसे भी सपोर्ट हो पाए फसाई उसको सपोर्ट करे। ठीक है, तो ये भी एक फंक्शन होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी एरिया में या किसी भी मिनिस्ट्री में या किसी भी फूड में कहीं पे भी अगर फूड सेफ्टी और न्यूट्रिशन के लिए कोई काम करने जा रही है तो वहां पे फसाई का ये रोल बनता है, उसका ये फंक्शन है कि वो वहां पे जाके साइंटिफिक या टेक्निकल सपोर्ट दे, साइंटिफिक एडवाइस दे, वो उसका फंक्शन है फसाई का। उसके बाद नेक्स्ट क्या फंक्शन है उसका कि वो डेटा कलेक्ट करे किसके रिगार्डिंग, किसके मतलब किसके लिए, जो फूड कंजम्पशन है या जो इंसिडेंसेस हो रहे हैं, जो प्रेवेलेंस हो रही है, बायोलॉजिकल रिस्क, कंटेमिनेंट इन फूड, मतलब जितनी भी एक आप मान सकते हैं कि कहीं पे जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी इश्यूज हो रहे हैं, उन सारे इश्यूज के लिए एक प्रॉपर डेटा कलेक्ट किया जाए और उनके लिए एक प्रॉपर एक सिस्टम सेट किया जाए और उसके थ्रू उन रिस्क को एक तरह से एलिमिनेट किया जाए, पहले उनको आइडेंटिफाई किया जाए और फिर उनको एलिमिनेट किया जाए। क्लियर,
तो उसके लिए पहले डेटा को कलेक्ट किया जाए, फिर उसको आइडेंटिफाई किया जाए कि किस तरीके का रिस्क है, किस तरीके से उसको सॉल्व किया जा सकता है और उसको इरेडिकेट किया जाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स क्रिएट किए जाने चाहिए अक्रॉस द कंट्री, जिससे कि जो फूड से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, फूड सेफ्टी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है या फिर कोई भी इशू है उससे रिलेटेड, वो हर किसी के पास प्रॉपरली फॉलो अप हो सके, उस तक पहुँच सके। जैसे कि अगर फूड सेफ्टी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के बारे में मतलब मेजरली नहीं लेकिन माइनर या फिर जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए वो सारी नॉलेज क्या है पब्लिक को, कंज्यूमर को, पंचायत, जो भी लोग हैं उनको प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए थ्रू दिस इन्फॉर्मेशन नेटवर्क, जिससे कि जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उसके बारे में जो नॉर्मल पब्लिक है या फिर लोग हैं, कंज्यूमर जो है हमारा, उसको भी पता हो, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्या फंक्शन आता है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएँ उन लोगों को कि जो कि फूड बिजनेसेस में मतलब इंडल्ज हैं। जैसे कि आप देखें तो जैसे अगर हम देखें जो अलग अलग रेस्टोरेंट्स हैं या फिर अलग अलग जहाँ पे भी खाने की जो मतलब एक तरह से स्टॉल्स लगाए जाए कहीं पे भी जो भी हैं वहाँ पे उन लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, उनको फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के बारे में, उनको सैनिटरी के बारे में, हाइजीन के बारे में प्रॉपर उनको अगर प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी तो जो फूड बिजनेसेस हैं या फिर जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं वो मेंटेन हो पाएंगे, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल टेक्निकल स्टैंडर्ड्स फॉर फूड, मतलब हमें जो इंटरनेशनल टेक्निकल स्टैंडर्ड्स हैं फूड के जो कि डेवलप किए जाते हैं डे बाय डे, उनके लिए जो वो प्रोग्राम्स चलाते हैं उसमें भी कंट्रीब्यूट करना, ये का सारा काम किसका है, फसाई का है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस जो है फूड सेफ्टी और फूड स्टैंडर्ड्स के लिए उसको भी प्रमोट करना। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ फसाई, तो फसाई का जो स्ट्रक्चर है ठीक है जो ह्यूमन पावर है उसमें उसका जो स्ट्रक्चर है उसको देख लेते हैं। तो फसाई जो है एक उसके अंदर एक चेयरपर्सन होता है और 22 अदर मेंबर्स होते हैं जिसमें कि 1/3 जो है वो वुमेन होती हैं, ठीक है। चेयरपर्सन जो है वो कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। चेयरपर्सन इज इक्वल्स टू क्या होता है, सेक्रेटरी जो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में उसकी रैंक उसके बराबर होती है, चेयरपर्सन की जो रैंक है वो सेक्रेटरी के बराबर होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। जो फूड अथॉरिटी है उसको और कौन कौन असिस्ट करता है, साइंटिफिक कमेटी और पैनल्स जो कि हमारे हेल्प करते हैं किसमें, जो स्टैंडर्ड्स हैं फूड स्टैंडर्ड्स हैं उनको सेटअप करने में। उसके अलावा सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी जो है वो जो और उसके साथ कौन एनफोर्समेंट जो एजेंसीज हैं वो सारे, तो ये सारे लोग क्या है फूड अथॉरिटी या फसाई जो है उसको असिस्ट करते हैं। उसके बाद जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है एनफोर्समेंट की वो किसकी होती है, वो होती है हमारी जो स्टेट का फूड सेफ्टी कमिश्नर जो होता है या जो होते हैं उनकी ये मतलब एक तरह सोली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है, कमिश्नर्स की होती है, किसकी किसको ये जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो हैं इनको एनफोर्स करने की। ये जो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी जो अपॉइंट किए जाते हैं वो किस सेक्शन के अंडर किए जाते हैं, सेक्शन 30 के अंडर इनको अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। अब आता है कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं फसाई को, तो सबसे पहला आता है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के लैक होने की वजह से जैसे कि जो फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं वो नहीं है, 87 NABL हैं बस हमारे पास जबकि 1500 प्राइवेट लैब्स हैं, ठीक है। तो नेशनल जो लैब्स हैं या नेशनल लेबोरेटरीज जो हैं हमारी वो 87 ही हैं और प्राइवेट लैब्स जहाँ से हमें करवाना पड़ता है अपने जो हम मतलब ऑडिट भी कराते हैं अपने फूड सेफ्टी को वो 1500 हैं, तो मतलब नेशनल लेवल पर वो कम है, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कम होने की वजह से ये भी एक चैलेंज फेस करना पड़ता है फसाई को। उसके बाद क्वालिफाइड मैन पावर जो है उसकी शॉर्टेज होना, जिससे कि फूड टेस्टिंग जो इक्विपमेंट्स हैं उनको प्रॉपर मतलब एक तरह से फंक्शनिंग करवाने के लिए या फिर उनके लिए हमें जो मैन पावर चाहिए वो नहीं है और जो इक्विपमेंट्स चाहिए फूड टेस्टिंग के लिए वो भी प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कि बहुत ज़्यादा शॉर्टेजेस हैं हमारे पास किसकी, लाइसेंसिंग और एनफोर्समेंट ऑफिसर की, कि लाइसेंस्ड और एनफोर्समेंट जो ऑफिसर्स हैं उनकी शॉर्टेज होना, जिससे कि हमारे जो फूड सेफ्टी मेजर्स हैं वो सीवियरली अफेक्ट होते हैं। उसके बाद हमारे जो फसाई जो रेगुलेशन है वो सिर्फ 377 प्रोडक्ट्स के लिए है, जबकि अगर हम कंपेयर करें अलग अलग कंट्रीज से तो अदर कंट्रीज में 10,000 अराउंड स्टैंडर्ड्स पाए जाते हैं। इसके लिए हम कह सकते हैं कि हमारी जो लिस्ट है वो रेगुलरली रिव्यूड नहीं होती है, रिवाइज नहीं होती है। कम्बसम एंड लेंदी अप्रूवल प्रोसीजर, तो किसी भी प्रोडक्ट के अप्रूवल के लिए बहुत लेंदी जो प्रोसेस होता है अप्रूवल के लिए जिसमें कि बहुत टाइम लग जाता है, तो उसकी वजह से भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनको रेगुलेट नहीं किया जा रहा फसाई के थ्रू, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है
कि कैग के थ्रू ये फाउंड किया गया कि बहुत सारे जो लाइसेंस इशू हुए हैं वो इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे किए गए। 50% से भी ज़्यादा केसेस ऐसे मिले जो कि ऑडिट के थ्रू चेक किए गए, तो उसमें मतलब लाइसेंस जो इशू हुआ था वो इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ही हो गया और मोर देन 50% केसेज ऐसे पाए गए। तो आप देख सकते हैं जो अप्रूवल है वो या तो मतलब एक तरह से रॉन्ग वे में किया जा रहा है, लाइसेंस जो इशू किए जा रहे हैं वो रॉन्ग वे में किए जा रहे हैं, और अगर हो भी रहे हैं तो फिर वो उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस है। क्लियर? तो ये सारे जो एक तरह से चैलेंजेस जो हैं वो किसको फेस करने पड़ते हैं, हमारे फसाई को। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि फेमस केसेस ऑफ फसाई, मतलब फसाई के अंदर जो बहुत फेमस केसेस हुए हैं जिसमें कि फसाई का जो रोल पाया गया है, जिसमें कि बहुत सारे मतलब कोई कोई कंपनी जो ऐसी पाई गई है जिसमें कि फूड के साथ मतलब प्रॉपर स्टैंडर्ड्स मैच नहीं हुए। तो सबसे पहले आता है हमारा नेस्ले इंडिया लिमिटेड मैगी केस। तो आपको पता होगा नेस्ले का मतलब जो मैगी केस हुआ था, मैगी एक बार बैन हो गई थी, ठीक है। तो मैगी नूडल्स वर रिपोर्टेड विद एक्सेस लेड अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, कहते हैं ना कि उसमें एक्सेस क्वांटिटी में लेड पाया गया था, तो जिसकी वजह से उसको बैन कर दिया गया था, फसाई ने उसको बैन कर दिया था। क्लियर? उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा कैडबरी इंडिया। तो कैडबरी इंडिया के लिए क्या है कि एक बार जो कैडबरी डेयरी मिल्क है उसके अंदर वॉर्म में पाया गया था, जिसकी वजह से फसाई ने उसकी जो पैकेजिंग थी उसको मतलब इम्प्रॉपर डिक्लेयर किया था कि ये प्रॉपर एयर टाइट नहीं है, और उनकी पैकेजिंग को चेंज करने के लिए कहा गया था उनसे। तो ये दो बड़े बड़े केसेस हुए हैं जो कि फसाई के अंडर आए हैं, जो कि बहुत हाईलाइटेड केस हैं। उसके बाद आता है फसाई ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं पैन इंडिया। तो सबसे पहला आता है हार्ट अटैक रिवाइंड। ये पहला मास मीडिया कैंपेनिंग था फसाई का, जिसमें कि एम किया गया था जिससे कि ट्रांस फैट जो है उसको एलिमिनेट कर दिया जाए इंडिया से बाय द ईयर 2022, ठीक है। उसके बाद दूसरा है हमारा फसाई चिप्स। तो ये कोलैबोरेशन है बिटवीन फसाई एंड CIIHUL इनिशिएटिव, जिसमें कि फूड सेफ्टी जो है उसको प्रमोट करना है बिटवीन द इंडस्ट्री, साइंटिफिक कम्युनिटी और जो अकेडमिया है जो फूड सेफ्टी का, उसके बीच में ये प्रॉपर एक मतलब एक तरीके से कोलैबोरेशन है किस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, फूड सेफ्टी साइंस को प्रमोट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा स्वस्थ भारत यात्रा। ये एक पैन इंडिया साइकिल मूवमेंट है जिसमें कि जिसका कि एक स्लोगन आप मान सकते हैं ईट राइट इंडिया, जिसमें कि फोकस किया गया है या फिर एम किया गया है कि जो कंज्यूमर है उसको अवेयरनेस हो कि वो एक सेफ और न्यूट्रिशियस फूड खाए। क्लियर? अब करंट अफेयर देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि फसाई की स्टडी के थ्रू ये देखा गया है कि इंडिया इज ऑल सेट, मतलब इंडिया जो है एकदम राइट ट्रैक पे है किस चीज़ में, कि ट्रांस फैट फ्री हो जाएगा वो कब तक, 2022 तक। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा कि ऑन सितंबर 2, 2021 जो फसाई है वो उसने ईट राइट स्टेशन के लिए मतलब एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया है किसको, विद फाइव स्टार अवार्ड किया है, और एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया है किसको, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को, कब, सितंबर 2, 2021 को। उसके बाद नेक्स्ट आता है कंडीशनल लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क फॉर प्रोप्राइटरी फूड प्रोडक्ट हैज़ बीन प्रपोज बाई फसाई। तो एक कंडीशनल लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क तैयार किया गया है किसके लिए, प्रोप्राइटरी फूड प्रोडक्ट्स के लिए। अब प्रोप्राइटरी फूड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं हमारे, कि जो फूड प्रोडक्ट्स के लिए एक प्रॉपर स्टैंडर्ड सेट नहीं है, उनका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स डाले गए हैं, उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं या फिर जो भी चीज़ें जिन भी चीज़ों से वो प्रोडक्ट बन रहा है उसके बारे में तो पता है, लेकिन उस प्रॉपर प्रोडक्ट की फसाई के पास कोई स्टैंडर्ड्स में मतलब सेफ्टी स्टैंडर्ड या फिर कोई भी एक मेजरमेंट स्टैंडर्ड में नहीं है। तो उसके लिए क्या किया गया है, कंडीशनल लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क तैयार किया गया है जिससे कि उसके जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है उसको मेजर किया जा सके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है रिसेंटली रूल बनाया गया है किसमें अमेंड किया गया है फसाई के अंदर, किस लिए, जो फैटी एसिड है, ट्रांस फैटी एसिड्स जो हैं उसको, उस पर रोक लगाने के लिए फूड प्रोडक्ट्स के अंदर, उसके लिए रूल को क्या है अमेंड किया गया है रिसेंटली, क्लियर। तो ये सारे क्या है करंट अफेयर्स कि मतलब सबसे पहला ट्रांस फैट फ्री किया जाएगा 2022 तक, उसके बाद फाइव स्टार अवार्ड किए गए हैं किसको, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को, उसके बाद कंडीशनल लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क तैयार किया गया है किसके लिए, फॉर प्रोप्राइटरी फूड प्रोडक्ट्स, उसके बाद फसाई के जो रूल्स हैं उसको अमेंड किया गया है किस लिए, ट्रांस फैटी एसिड्स पे क्या है रोक लगाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही था, आई होप यू लाइक आवर वीडियो। तो आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।